वहीं हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है, हालात भीषण हैं और गाजा पट्टी में बम और बारूद बरस रहे हैं। हमास के हमलों का इजरायली सेना पूरी रणनीति के साथ जवाब दे रही है। जंग कैसे शुरू हुई, हमास ने अपने ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड क्यों रखा और अब इसराइल ने स्वाड ऑफ आरन ऑपरेशन के जरिए कैसे प्रहार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व युद्ध 3 का ट्रेलर, हमास के अंत की पिक्चर, गाजा की लड़ाई, विश्व युद्ध की आहट, ये उठता धुआं बता रहा है कि कुछ देर पहले ही यहां इसराइल ने हमास के खुफिया चीफ के घर पर बड़ा हमला बोला है। यानी इसराइल हर कीमत पर हमास के आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसराइल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी पर हमास के 400 आतंकवादी भी ढेर किए जा चुके हैं। इसराइल के साथ करीब 22 इलाकों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। 6 वॉर पॉइंट्स को इसराइल वापस छुड़ा चुका है। इसराइल सेना और हमास के लड़ाकू एक दूसरे से सीधे सीधे भिड़े हुए हैं, जबकि लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी इसराइल ने जवाबी हमला बोल दिया। यहाँ इसराइली सेना के टैंकों ने दनादन गोले दागे, गाजा पट्टी पर आसमान में काला धुआं छा गया। यहाँ इसराइल की जोरदार बमबारी जारी है। ड्रोन के जरिए भी हिजबुल्ला आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दरअसल आज हिजबुल्ला आतंकियों ने सीरिया के गोलान हाइट्स से 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट दागे थे। इस हमले का मकसद फिलिस्तीनियों का समर्थन करना था, लेकिन इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्ला आतंकियों की कमर तोड़ दी। हाडोव में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने बकायदा इसका वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि हमास के हमले अश्लोन, जिकिम, स्टेरोड, बीरी, रीम, मैगन और फाकिम में जारी हैं, जबकि इसराइल के जवाबी हमले गाजा सिटी, खान यूनिस और राफाह में जारी हैं। हमास के खिलाफ जारी इजरायली सेना के हमलों के बीच वहां की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा पट्टी से इसराइल के बीच घुसपैठ वाले इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות אירועים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं हमास पर ऐसे हमले होंगे कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, उसके ठिकाने मलबे में तब्दील हो जाएंगे। जाहिर है हमास पर हमले को लेकर इसराइल ने तय कर लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां रास्ते में दिख रहे टैंक हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गाजा पर हवाई हमले की इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इजरायली सेना हमास के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। इजरायल में हवाई हमलों के बाद गाजा दहल चुका है। गाजा में बहुमंजिला इमारत ढह रही है। हमास के आतंकियों को आतंकित कर देने वाले हमलों के बाद इसराइल ने सैड रोड पुलिस स्टेशन पर एक बार फिर से नियंत्रण कर लिया है। हमास ने यहाँ युद्ध के शुरुआती दौर में धावा बोलकर पुलिस स्टेशन पर कब्जा जमा लिया था। दूसरी ओर हमास ने भी गाजा से इसराइल में रॉकेट दागे हैं। इसका वीडियो सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो चुका है, जबकि जिकिम बीच पर एयर स्ट्राइक के बाद करीब 5 आतंकवादियों को मार गिराने में इसराइल को कामयाबी मिली है। इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला बोला है। गाजा पट्टी में किए गए हमले की तस्वीर सामने है, इन्हें खुद इजरायली वायुसेना ने जारी की है। इसराइल ने तेल अवीव पर भी ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए हैं। तेल अवीव की ओर दागे गए कुछ रॉकेट को मार गिराया गया है।
खबर यह भी है कि अपने साथियों को हमास के आतंकी से छुड़ाने के लिए इसराइल ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। हमास ने इसराइल के लोगों को अपनी सुरंगों में छुपाया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण इसराइल में इसराइली सेना ने कुछ बंधकों को छुड़ा लिया है। इसराइल की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। जाहिर है मिडिल ईस्ट में इस भीषण युद्ध से पूरी दुनिया हैरान है। वैसे भी इसराइल के पीएम ऐलान जंग कर दावा कर चुके हैं कि जीत उनकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।